साथियों, जिनका ई श्रम कार्ड बना है उनके लिए एक बड़ी खबर है। ई श्रम कार्ड जिनका बना है, अगर उनके अकाउंट में अभी तक 3000 रुपये नहीं भेजे गए हैं तो एक न्यू अपडेट आ चुका है आप सभी लोग के लिए। उस अपडेट से आपके जो 3000 रुपये बचे हुए हैं, जितनी भी किस्तें आपकी बची हुई हैं, वो सभी किस्तें आपके बैंक अकाउंट में सीधे भेज दी जाएंगी। तो कैसे भेजी जाएंगी, क्या करना पड़ेगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ साथ वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ई श्रम कार्ड जुड़ी कोई भी अपडेट हो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो देखिए, ई श्रम कार्ड का एक नया अपडेट है तो आ चुका है। उस अपडेट में क्या चीज़ें हैं और किनको ये अपडेट का फ़ायदा मिलने वाला है और किनकी रुकी हुई जो किस्तें हैं वो मिलने वाली है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो ये ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे तीन, पहले आपको ये होता था कि रजिस्ट्रेशन ऑन मानधन योजना और ई श्रम कार्ड इशूज़, तो ये दो चीज़ आपको देखने को मिलती थी। लेकिन एक नया चीज़ साथ आपके लिए जोड़ा गया है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन में क्या है, क्या आपको बेनिफिट 3000 रुपये का प्रत्येक महीने इसमें मिलने वाला है और इसको क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम कार्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो जो ई श्रम कार्ड पर रजिस्टर्ड है पहले से ही, उनको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनाया है तो आप लोग अपना ई श्रम कार्ड जाके CSC सेंटर से बनवा लेना, या तो मेरे द्वारा बताई गई वीडियो की जानकारी के हिसाब से आप लोग अपना ई श्रम कार्ड आसानी से बना लेना। तो अब तो आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर जिसमें आधार कार्ड लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेंड, मतलब कि यहाँ पे भर देना है। ठीक है, यहाँ पे भरने के बाद OTP पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसको हम भर के चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने OTP भर के यहाँ पर मतलब कि OTP भेजने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन अभी जो सतो यह है OTP नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये आज सतो अपडेट हुआ है, हो सकता है कल की डेट में आपका जो है ये सही तरीके से काम करना करने लगे। ये OTP अभी सेंड नहीं कर रहा है, अगर सेंड करने लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके आगे का जो प्रोसेस है उसको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो इसमें जो एक नया ऑप्शन आया है उसमें ये चीज़ बताई गई हैं, सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम। तो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है उसके थ्रू आप लोग आसानी से तो सरकार के द्वारा पैसे कमा सकते हो। इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं, आप लोग यहां पे देख सकते हो, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है, आप लोग इसको जानते होंगे। इसमें क्या मतलब कि ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ये मतलब कि सभी चीज़ इसमें होती हैं, और इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी और बेनिफिट आपको क्या होगा, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं। आप यहाँ पे देखो, मतलब कि एलिजिबिलिटी जो आपकी है ये सभी चीज़ में दिखाई गई हैं, और इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप लोग इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हो। और जो आपकी एक स्कीम इसके थ्रू रहेगी वो NPS रहेगी, नेशनल पेंशन स्कीम ऑफ ट्रेड एंड द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर्सन। तो इसमें भी सब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और बेनिफिट आपका क्या रहेगा, ये चीज़ें इसमें बताएगी, आप लोग आसानी से पढ़ लेना देख लेना। और देखिए, बात है 3000 रुपये की, आपके जो 3000 रुपये से तो आपके मतलब कि श्रम कार्ड में अभी तक नहीं आए हैं। तो देखिए, अभी तक सतह मैं बता दूं किसी के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये भेजे नहीं गए हैं, और ये सतो भेजे सतो ना जाएंगे, क्योंकि इन स्कीम के द्वारा आप लोग पैसे सरकार के द्वारा कमा सकते हो, और कुछ मतलब कि आपकी सरकार मदद करेगी और कुछ आपको बैंक अकाउंट में आपको कुछ धनराशि जमा करना पड़ेगा, उसके बाद जो आपका मतलब कि डबल इनकम बनेगी वो आपकी होगी। ये चीज़ें हैं, इससे आप लोग इस श्रम कार्ड के थ्रू पैसे कमा सकते हो। और आने वाली जो योजनाएँ हैं इसमें और भी बहुत सारी योजनाएँ ऐड होने वाली हैं, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये सभी योजनाएं ऐड की जाएंगी। अब एक स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, इसमें आपको मतलब कि 18-50 वर्ष से की है हो तो आपको ये बेनिफिट आपको बैंक मतलब कि बैंक अकाउंट विद आधार से खुलवाना पड़ेगा, और ऑटो डेबिट फ्रॉम द बैंक अकाउंट कंसेंट। तो आपको 2 लाख रुपये ऑन डेथ ड्यू द एनी केस, किसी भी केस में आपकी अगर डेथ होती तो आपको 2 लाख रुपए से तो सरकार जो है वो मुहैया करवाएगी, मतलब कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के थ्रू अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको किसी भी दुर्घटना में अगर आपकी डेथ होती है तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और आपको पर मंथ जो है 436 रुपये इस अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी, ये भी सतो है आपकी इंश्योरेंस टाइप की, इसमें भी सतो 20 रुपये पर ईयर सतो आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है,
ये बहुत सारी योजनाएं हैं, आप लोग देखते लो, अटल पेंशन योजना है और यहाँ पे है पीडीएस है। पीडीएस एक बढ़िया योजना है, अगर आप लोग नहीं इसमें इनरोल किए हैं तो आप लोग इनरोल कर लेना। इसकी सारी जो टर्म एंड कंडीशन है वो ज़रूर आप लोग पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी तक आपको आवास नहीं मिला है तो आप लोग से तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके अपना जो आवास है, जो आपका कॉलोनी है, जो आपके प्रधान के द्वारा दी जाती है आपके गांव में, तो वो आप लोग यहाँ से बनवा सकते हो। अगर आप लोग उसके संबंध में आते हो, अगर आप लोग उसके लिए इच्छुक हो तो आप लोग कॉलोनी यहाँ से बनवा सकते हो। और ये कॉलोनी आपके फैमिली डिसेबिलिटी नंबर एज ए मतलब कि अगर आप लोग डिसेबिलिटी है, आपको दिव्यांग हो या तो विकलांग हो, तो आपको कॉलोनी मिलने में और भी आसानी यहाँ पे हो जाएगी। और इसमें लगभग आपको तीन मतलब कि 2 लाख रुपए लगभग शायद दिए जाते हैं जहाँ तक मेरे याद में है। और यहाँ से विजिट करके आप लोग कॉलोनी के लिए अप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और आपकी कॉलोनी आपके घर से तो 2-3 महीने के अंदर बन के आ जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोग्राम, तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन, ये भी सतो उसी टाइप की योजना है और इसमें भी सतो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। आप लोग इनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इससे सतो आप लोग रजिस्ट्रेशन करके अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है तो आप लोग 5 लाख तक रुपए तक का सतो इलाज जो है वो फ्री करवा सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे इसकी फ्रेंचाइजी दी गई है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं सतो, इन योजनाओं का आप लोग लाभ उठा सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस है और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है और उसके बाद नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन योजना है और इसमें है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, आप रिहेबिलिटेशन मैनुअल, ये स्कीम आपके लिए बढ़िया है, इसको आप लोग ज़रूर करना। तो ये बहुत सारी स्कीम्स है, इसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना और बताना कि कौन सी स्कीम इसमें सबसे बढ़िया आपको लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए श्रम कार्ड का जो आपका पैसा है, जो 3,000 रुपये बोला गया था कि आपको श्रम कार्ड ओपन करवा लीजिए और आपके बैंक अकाउंट में जो है 3,000 रुपये पर मंथ भेजे जाएंगे, तो ये तो अभी तक सरकार के द्वारा कोई ऐसा मतलब कि नोटिफिकेशन या तो कोई नोटिस अभी नहीं निकाला गया कि आपके बैंक अकाउंट में सीधे 3,000 रुपये भेजे जाएंगे। हालाँकि आने वाले समय में तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा तो बढ़िया होगा। और इन सभी स्कीम के थ्रू आप लोग आसानी से तो सरकार के मतलब कि साथ साझा करके पैसे कमा सकते हो। और भी बहुत सारी योजनाएं आएंगी और यहाँ पे एक ये मतलब कि ऐड हुआ नया चीज़, हो सकता है इसमें बहुत सारी योजनाएं हो और 3,000 रुपये जो आपकी बची किस्ती हैं वो इसी योजना के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में भेजी है, लेकिन ये अभी ओपन नहीं हुई है और ये सब आज ही लॉन्च हुई है वेबसाइट, तो ये मैंने इसको ओपन करने की बहुत कोशिश की, एक बार और चेक कर लेता हूँ और ये सब तो ओपन नहीं हो रही है। अगर जैसे ओपन होगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से या तो टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, इसमें जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना। और ई श्रम कार्ड अगर आपका नहीं बना तो ई श्रम कार्ड ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत सारी योजनाएँ आएँगी, उन योजनाओं का लाभ आपको सीधे मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत।